हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। सो यहाँ पर हम ये आज मॉर्निंग टू इवनिंग हमारा जो भी क्लीनिंग और कुकिंग रूटीन है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले शावर ले लिया है और शावर लेने के बाद फिर पूजा करना है। जो हमने नया फ़ोन लिया था वो अभी हमने एक दो दिन के लिए भगवान के पास ही रख दिया था। सो ये हमारे भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी, आप ही इनके दर्शन कर लीजिए। सो यहाँ पर बस जल्दी से दीपक लगाएंगे और एक्चुअली हम शनि चालीसा और शिव चालीसा करते हैं, वो तो हम साथ साथ ही कर लेते हैं, पर जो विष्णु सहस्त्र नाम है उसको हमें बैठ के करना होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा देखना पड़ता है उसको करने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा टफ है। सो यहाँ पर बस जल्दी से दीपक लगा लेंगे और इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम हम करेंगे। सो पूजा का एक्चुअली हमारा क्या है कि हमारा रोज़ का ही रूटीन है, पूजा हम रोज़ ही करते हैं। दीपक लगाना, चालीसा करना और विष्णु सहस्त्र नाम करना, इतना हमें रोज़ ही करना होता है और इसमें लगभग 30 मिनट से 45 मिनट के बीच में लगता है, क्योंकि जो चालीसा है वो तो हम नहाने के तुरंत बाद स्टार्ट कर देते हैं, पर जो विष्णु सहस्त्र नाम है उसके लिए हमें एक्चुअली बैठ के करना होता है। सो उसमें भी 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। सो अगर देखा जाए तो इतना टाइम हम पूजा के लिए रोज़ देते ही देते हैं। पूजा करने से सारा दिन बहुत ही पॉजिटिव रहता है और बहुत ही एक पॉजिटिव एनर्जी हमें सारा दिन फील होती है, क्योंकि हम लोगों को हाउसवाइफ हैं तो सारा दिन काम करना होता है, घर में बच्चा भी है और भी कई काम होते हैं, तो उससे सारी एनर्जी पूरा चार्ज अप हो जाते हैं हम जब भगवान का नाम लेते हैं। सो यहाँ पर बस पूजा वगैरह करके और फिर एक्चुअली हेयर वॉश किए थे तो सबसे पहले सोचा कि हेयर्स को ड्राई कर ले, क्योंकि अगर गीले बाल बंधे रहते हैं ना तो उससे भी समटाइम्स सिर में दर्द कहीं कुछ लगा ही रहता है, इसलिए हम सबसे पहले प्रेफर करते हैं कि अपने हेयर्स को ड्राई कर लें। सो एक्चुअली यहाँ पर धूप में खड़े होने का तो इतना टाइम होता नहीं है, और धूप एक्चुअली हमारे यहाँ जिस साइड बैकयार्ड है ना वो हमारा जो सूरज जब डूबता है ना उस तरफ तब सूरज आता है, तो हमारा तो सुबह सुबह नहाना हो जाता है तो धूप में खड़े होना इतना सुबह से होता नहीं है। सो यहाँ पर बस हम हेयर ड्राई करेंगे हेयर ड्रायर से और थोड़ा से ढीले ढीले से बाल बांध लेते हैं, क्योंकि फिर तुरंत गीले बाल टाइट बांधे भी नहीं जाते। सो इसलिए हम बस ऐसे ही ढीले ढीले बाल बांध के और अपना काम शुरू करेंगे। सो बस इसके बाद हम चाय पियेंगे और फिर सीधे जाएंगे अपने बेडरूम में, बेडरूम को सही करने। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर चाय बना के चाय पी ली थी और फिर अब जा रहे हैं बेडरूम में, क्योंकि बेडरूम क्लीन करने के बाद इसके बाद फिर हम किचन में आएंगे। सो बस यहाँ पर सबसे पहले गेट को ओपन कर देंगे, क्योंकि रात भर बंद रहता है ना कमरा, तो थोड़ी एयर, फ्रेश एयर अंदर आ जाएगी, एयर सर्कुलेशन हो जाएगा। बस ये बेड वगैरह और सही कर लेते हैं और इसके बाद फिर चलेंगे किचन में। सो आज हम वन पॉट मील बनाने वाले हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले इसके बाद हम बेड को सही कर लेंगे, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि अगर बेडरूम में बेड सही है तो फिर आपका ये रहता है कि हाँ बेडरूम बिल्कुल सेट है, आपको उसी तरफ संभालना है। कि ये जो पोर्शन है वो हमारा यूज़ नहीं होता, सिर्फ जो किचन वाला एरिया है ना सिर्फ वही यूज़ होता है। इसलिए हमें लगता है कि अगर सुबह से ये वाला पोर्शन भी साफ हो जाए ना तो सिर्फ वही वही एरिया होता है जिसको हमें क्लीन करना होता है। सुबह सब हम जाएंगे और फटाफट से पहले बेडरूम सेट करेंगे और इसके बाद फिर चलेंगे सो किचन में वन पॉट मील आपके साथ शेयर करेंगे। सो बेडरूम हो गया है एकदम सेट और ये वाला पोर्शन एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है। थोड़ी थोड़ी हमें डस्टिंग भी करनी थी, वो भी हमने साथ साथ कर दी है और बेड को क्लीन कर दिया है। सो अब ये वाला पोर्शन है ये बिल्कुल साफ है। अब चलते हैं किचन में, हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं आज पनीर बिरयानी की रेसिपी और ये एक वन पॉट मील है और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा। सो चलिए चलते हैं किचन में अब। सो यहाँ पर हमने पनीर लिया है और पनीर में सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर और थोड़ी सी मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर और इसमें हम सॉल्ट थोड़ा सा ऐड करेंगे। सो ये तीनों चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा सा चाहें तो हिला लें, अदरवाइज़ इसको हाथ से टच ना करें, अदरवाइज़ सारे जो पनीर के टुकड़े हैं ना वो टूटने लगेंगे। सो यहाँ पर हमने एक नॉन स्टिक पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है, ऑयल को
थोड़ा हीट अप कर लेंगे, क्योंकि अगर ठंडे ऑयल में आप वो डालेंगे ना पनीर, तो फिर वो टूटने जल्दी लगेंगे, तो इसलिए अच्छे से तेल को गरम कर लेंगे। इसके बाद हम अपने जो पनीर के टुकड़े हैं जो हमने मैरिनेट करके रखे थे वो डाल देंगे हम गरम गरम ऑयल में, जिसमें कि ये थोड़े से अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएँ, थोड़े कोटेड हो जाएँ, क्योंकि जब हम बिरयानी में इनको ऐड करेंगे ना तो ये टूटेंगे नहीं, अगर ये अच्छे से फॉर्म अप हो जाएंगे ना तो ये टूटेंगे नहीं बिरयानी में, इसलिए हम थोड़ा सा इनको सेक रहे हैं। सो ये देखिए आप अच्छे से इनमें अच्छे से कलर आ गया है और ये अच्छे से फॉर्म अप हो गए हैं। अब यहाँ पर हमने रखा है पानी बहुत सारा राइस को बॉईल करने के लिए, और इसमें दो तेज पत्ता ऐड किए हैं, एक बड़ी इलायची ऐड की है, थोड़ी सी दालचीनी ऐड की है, इसके बाद हम इसमें जो जावित्री होती है वो ऐड कर रहे हैं, छोटी इलायची दो ऐड कर रहे हैं, स्टार एनीस एक ऐड कर रहे हैं, और थोड़ी सी लौंग हमने ऐड की है। सो तीन से चार लौंग ऐड कर लेंगे, बस इतना ही हमने खड़े मसालों को ऐड किया है। और इसके बाद हमने इसमें ऐड किया है नमक। नमक सॉल्ट एक्चुअली अच्छे खासी क्वांटिटी में ऐड करना है, क्योंकि जो राइस हैं वो अच्छे से नमक उनमें होना चाहिए, वरना राइस फीके फीके से बनेंगे। और यहाँ पर हमने आधे घंटे राइस को धो के और थोड़ा सा रखा था धो के, ये आधा घंटे में ही मतलब पूरे तैयार हो जाते हैं। और ये कोई हमने बिरयानी स्पेशल या पुलाव स्पेशल नहीं लिए हैं, हम जो नॉर्मल राइस खाते हैं रॉयल का बासमती राइस हम रेगुलर में खाते हैं, हमने वही लिए हैं। और यहाँ पर हमने दो नींबू भी ऐड कर दिए थे इसमें। और अब जब ये अच्छे से बॉईल हो जाएंगे, लगभग हमने 70-80% राइस को बॉईल किया है, तो यहाँ पर हम ये सारे जो भी खड़े मसाले हैं ना, जितने भी हम निकाल पाएंगे इजीली सारे निकाल देंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा खड़े मसाले खाने में मुँह में आते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते एक्चुअली। सेम पैन में हमने यहाँ पर ऐड किया है फिर से दो तेज पत्ता, उसके साथ हमने दालचीनी ऐड की है, थोड़ी सी जावित्री ऐड की है, और इसके साथ लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च और खड़ी इलायची भी हमने ऐड की है, एक दो छोटी और एक बड़ी। तो और यहाँ पर हमने थोड़ी सी क्यूमिन सीड जीरा ऐड किया है। अब खड़े मसाले आप थोड़े कम ज़्यादा अपने हिसाब से बिल्कुल कर सकते हैं, हमने थोड़े मसाले कम ही रखे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाले फिर मुंह में आने लगते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ों को अच्छे से पहले ऑयल में तड़क जाने देंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर चॉप करके ऐड कर रहे हैं जिंजर गार्लिक, तो आप चाहें तो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पर चॉप करके ऐड किया है। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स और मिला लेंगे, और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लंबी लंबी प्याज को काट के, अनियन को हमने लंबा लंबा काटा है और इसको भी हम काट के इसमें ही ऐड कर देंगे, और इसको बढ़िया से टॉस कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे नमक, क्योंकि जब हम प्याज में नमक डालते हैं ना तो कुकिंग जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाती है। सो यहाँ पर हम अब मसालों के हिसाब से ही नमक ऐड करेंगे, क्योंकि हमने राइस में ऑलरेडी नमक डाल रखा है। सो अब ये अच्छे से प्याज में एक अच्छा सा कलर आ गया है, और अब हम इसमें मसाले थोड़े से ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर, रेड चिली पाउडर, हमने ये दोनों चीज़ें इसमें ऐड की हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लगभग आधे कप के लगभग दही। सो ये योगर्ट है, रूम टेम्परेचर पर योगर्ट है, और इसको हम चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें एक बॉयल ना आ जाए, अदरवाइज जो दही है वो कडल्ड होने लगेगा, वो फट सकता है। सो यहाँ पर दही जब अच्छे से उबाल आ गया, तो हमने यहाँ पर 3-4 टेबल स्पून के लगभग टमाटो प्यूरी ऐड की है, आप चाहें तो इसको ऐड करें, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। टमाटो प्यूरी को भी ऐड करने के बाद हम इसको भी अच्छे से सारी चीज़ों के साथ मिक्स कर देंगे, और इसके बाद हम इसको थोड़ी देर ढक के पकाएंगे, जिसमें कि ये जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। और इसके बाद हम इसको इसमें ऐड कर देंगे जो हमने पनीर तल के रखे हुए थे ना, उनको हम ऐड कर देंगे, और इसको भी साथ में हम मिक्स कर लेंगे। और हमने यहाँ पर एक्चुअली प्याज हमारे पास ग्रीन कलर की थी, तो थोड़ी सी हमने वो ऐड की थी। यहाँ पर हमने अपने राइस को निकाल लिया था, और इनको अच्छे से एक स्ट्रेनर में डाल देंगे, जिससे कि अच्छे से पूरा पानी वगैरह सब निकल जाए, और हमारा जो मिक्स था उसके ऊपर हमने राइस की पूरी अच्छे से लेयर लगा दी है। आप चाहें तो बिल्कुल डिवाइड करके भी लगा सकते हैं, पहले जो नीचे एक परत लगाएं, फिर राइस की लगाएं, फिर जो मिक्स बनाया है उसकी एक लेयर लगाएं, और फिर राइस लगाएं।
बट हमने साथ में ही एक्चुअली डाल दिया था सब कुछ। और इसके बाद बस अच्छे से उसको कवर कर देना है 10 से 12 मिनट के लिए, और फिर जब आप खोलेंगे तो बहुत ही टेस्टी आपकी बिरयानी बनके तैयार होगी। और यहाँ पर हमने इसको सर्व किया था रायते के साथ, सो आप देख सकते हैं कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्विक बन जाने वाली एक रेसिपी है। आप इसको अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें, और अगर ट्राई करें तो डेफिनेटली कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगर आपने ये बनाई तो आपको कैसी लगी। सो यहाँ पर ये हमारा जो लंच है वो बनके तैयार हो गया था, और अब चलते हैं क्लीनिंग की तरफ। सो यहाँ पर ये जो मेन लिविंग एरिया है जहाँ पर हम लोग अधिकतर बैठते हैं, यहीं पर टीवी वगैरह लगी हुई है एक्चुअली, तो ये पूरा सब त्रिशिका सारी चीज़ें निकाल निकाल के रखती रहती है, फेंकती रहती है, और तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा गंदा होता है। तो बस सबसे पहले हम इसको ही क्लीन कर रहे हैं, और सारी चीज़ें उसकी एज इट उनकी जगह पे रखेंगे, जो भी एक्स्ट्रा सामान है उनको सबको हटा देंगे, और साथ में ये जो सोफ़ा है उसको हम प्रॉपर डस्टिंग करके और फिर सारे जगह पे मॉप करेंगे, क्योंकि ये वाला एरिया हम रोज़ मॉप करते हैं, क्योंकि अब छोटा बच्चा है तो वो नीचे कुछ गिर जाए, और एक्चुअली हाइजीन की वजह से हम रोज़ ही मॉप करते हैं इस वाले एरिया में, क्योंकि ये किचन से लगा हुआ एरिया है। सो बस यहाँ पर हमने डस्टिंग वगैरह करके वो वाला लिविंग एरिया जो है वो क्लीन कर दिया है, और अब हम प्रॉपर मॉप कर रहे हैं। सो ये जो रूटीन है ये हमारा रोज़ का ही रूटीन है, क्योंकि जब आप सबको पता होगा जब घर में बच्चे होते हैं और छोटे बच्चे होते हैं तो उनको सारा दिन कुछ ना कुछ निकालना रखना होता है, और इस वजह से और हमारा यहाँ पर एक्चुअली ओपन किचन है तो किचन में भी वो बार बार आती है और सारी जगह आती जाती रहती है, इस वजह से सारा ये वाला जो एरिया है ना वो हमें लगता है कि कुछ ज़्यादा ही चिकना चिकना सा और थोड़ा पैर पैर से थोड़ा हो जाता है, तो इसलिए ये एरिया हमें पूरा अधिकतर रोज़ ही साफ़ करना पड़ता है। सो बस यहाँ पर हमने प्रॉपर डस्टिंग वगैरह करके और पूरे किचन वाले एरिया में मॉप वगैरह कर दिया है, तो ये रोज़ का काम है हमारा। सो बस यहाँ पर हम ये सारी क्लीनिंग वगैरह करके और फिर आपको दिखाएंगे कि फ़ाइनल रिज़ल्ट क्या है, क्योंकि जब फाइनली आप जब किचन साफ़ कर लेते हो, जब कोई भी जगह आप साफ़ कर लेते हो ना, जब फाइनली उसको देखते हो तो हमें तो इंटरनली बड़ी खुशी होती है, चाहे हम जब सारे फ्लोर में मॉप वगैरह करें या जो भी है, तो उससे हमें काफ़ी खुशी मिलती है कि कितना साफ़ सुथरा है। फिर थोड़ी देर में फिर शुरू हो जाता है त्रिशिका का फैलाना करना। चलो ये तो रोज़ का ही काम है हमारा भी और त्रिशिका का भी, लेकिन आप देखिए अभी कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है। अभी टेबल वगैरह भी हमने सब साफ़ कर दी है, लेकिन इस पे एक्चुअली त्रिशिका जब बैठती है कुछ खाती है तभी ये गिरता है, और ये सारा दिन टेबल हमारी साफ़ होती है। सो बस यहाँ पर हम ये टेबल रनर वगैरह लगा देते हैं, क्योंकि अभी फाइनली कुछ खाना पीना नहीं है किसी को भी। सो बस ये हमने पूरा प्रॉपर सब साफ़ कर दिया है। सो ये वाला लिविंग एरिया रहा, और वो पूरा ब्रेकफास्ट टेबल वगैरह डाइनिंग स्पेस जो है, डाइनिंग तो एक्चुअली हमारा अलग है, ये जो कपड़े हैं वो आयरन के कपड़े हैं, सो ये तो अलग ही हैं, बाकी हमने सारी चीज़ें सेट कर दी हैं, यहाँ से हटा दी हैं, जहाँ की थी वहाँ रख दी है, और ये प्रॉपर नीट एंड क्लीन हो गई है स्पेस। और यहाँ पर भी हमने मॉप किया था एक्चुअली, और ये त्रिशिका का स्पेस है जो कि पूरे सॉफ्ट टॉय से भरा हुआ है। सो ये सारा सब क्लीन करके और सब एक जैसा लगा के, और ये यहाँ से हम फ्री हो गए हैं फाइनली, और अभी देखने में कितना साफ़ सुथरा और अच्छा लग रहा है। किचन भी एक्चुअली हमने साफ़ कर दी थी, और इसके बाद ही हम मॉप करते हैं, जिसमें कि पूरा घर एक तरफ से साफ़ सुथरा लगे। अब ये जो है ये हमारा मेन लिविंग एरिया है, यहाँ पर जब गेस्ट वगैरह आते हैं ना तो मेन एक्चुअली हमारा वो था, सॉरी, क्योंकि वहाँ हम लोग ज़्यादा बैठते हैं और ये पूरा गेस्ट का है, जैसे कभी कोई बाहर से आता है या करता है तो वो, लेकिन आजकल त्रिशिका ना इस एरिया में भी खूब आती है, और वो उसको एक्चुअली जंप करना बड़ा पसंद है, और हम लोगों ने जो ये सेक्शनल और सोफ़े वगैरह ले रखे हैं ना, हमें लेदर एक्चुअली अपने घर में नहीं रखनी थी, तो हमारा सारा जो भी है सब फैब्रिक का ही है, कपड़े का ही है एक्चुअली, तो उसको जंप करने में इन चीज़ों पर बड़ा मज़ा आता है, तो बस वो रोज़ आती है, जंप करती है, तो रोज़ का ये भी एक काम होता है। तो रोज़ हम इतनी प्रॉपर डस्टिंग तो नहीं करते, रोज़ तो हम ऐसे ही रख देते हैं सेट करके, ठीक ठाक, और लेकिन जो 5-6 दिन में ना हमने प्रॉपर डस्टिंग करके प्रॉपर सारी चीज़ें हटा के और फिर हमें
इसको सेट करना पड़ता है। तो लगभग 5 से 6 दिन में जब भी हमें टाइम लगता है ना, तो हम सारी चीज़ें हटा हटा के और फिर क्लीन करते हैं। और फिर मॉप तो हम 7 दिन में एक बार इसमें करते ही हैं। एक्चुअली हमारे पास मशीन भी है, बट हमें सेटिस्फाई जो होते हैं ना, तो वो हाथ वाले मॉप से ही होते हैं, पता नहीं क्यों। तो 7 दिन में हम एक बार खुद ही पूरे घर में मॉप करते हैं, जिसमें कि हमें काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलता है। मशीनों से कोई सफाई हमें नहीं लगता कि होती है प्रॉपर। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी पूरा एरिया, जो कि गेस्ट यहाँ से सीधा हमारा फ्रंट डोर है और सीधा यही एरिया पड़ता है, इसलिए हमें लगता है कि ये भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। इसलिए इसे भी हम रोज़ डस्टिंग रोज़ नहीं होती, लेकिन हाँ रोज़ इसको भी क्लीन रखने की कोशिश करते हैं। सो ये पूरा जो भी एरिया है, ये भी पूरा साफ़ हो गया, एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है। सो ये भी हमारा डन हो गया। सो इसी तरीके से हम अपनी कुछ चीज़ें डिवाइड करते हैं डेली के बेस पे, कुछ चीज़ें हम डिवाइड करते हैं क्लीनिंग के लिए 7 दिनों के हिसाब से, और कुछ चीज़ें हमारी महीने में मंथली क्लीनिंग में जाती हैं, और कुछ 6 महीने वाली होती है, कुछ साल वाली होती हैं, जो कि सभी के साथ होती हैं। पर हमें जहाँ भी लगता है कि हाँ अब ये जगह है जहाँ पर सफाई करने की या प्रॉपर अरेंजमेंट ऑर्गेनाइजेशन करने की ज़रूरत है, तो हम वहाँ पर अपना काम शुरू कर देते हैं और अपना इसी तरीके से घर को मेंटेन रखते हैं। सो यहाँ पर हमने अपना ये जो रोबो है उसको भी लगा दिया है, क्योंकि स्वीपिंग तो ये ठीक ठाक कर लेता है, पर मॉप बिल्कुल भी अच्छी नहीं करता एक्चुअली। सो बस यही था आज का वीडियो और ब्लॉग। तो अगर आपको इस ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी समझ आया हो, आप एक बार बिरयानी लेकिन ज़रूर बना के देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। तो अगर बिरयानी अच्छी बने तो कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं कि कैसी बनी। और अगर आपको इस वीडियो और ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगे, सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।